टुडे आवर टॉपिक इज हाउ टू राइट एन एसे इन ईजी स्टेप। डेफिनेशन ऑफ एसे। एन एसे इज ए रिटन कंपोजिशन। वी मे राइट इट टू डिस्क्राइब एन इवेंट, ए पर्सन और एनी आइडिया। इन हिंदी एक निबंध एक लिखित रचना है जिसमें हम एक घटना, एक व्यक्ति या किसी भी विचार का वर्णन करने के लिए लिख सकते हैं। Essay writing. These are few steps which you need to follow before writing an essay. Number 1. First, read topic of the essay carefully. सबसे पहले हमें निबंध के विषय को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। Second, write down all that come to your mind regarding the topic on a rough page. उसके बाद विषय यानी कि टॉपिक को पढ़ने के बाद जो भी विचार आपके दिमाग में पहले आता है उसे एक रफ पेज पर आप लिख लीजिए। थर्ड, ऑर्गेनाइज द आइडियाज़ एंड प्रिपेयर एन आउटलाइन। उसके बाद सभी विचारों को एक अच्छी ढंग से व्यवस्थित करें और उसकी आउटलाइन को प्रिपेयर करें। फोर्थ, ऑन द बेसिक्स ऑफ दिस आउटलाइन राइट द एसे। और जो आउटलाइन आपने तैयार की है उसके ऊपर आप अपना निबंध लिखिए। वाइल राइटिंग द एसे, जब हम अपना निबंध लिखते हैं तो हमें निबंध लिखते समय कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान भी रखना चाहिए जिससे हमारा निबंध अच्छा और इंटरेस्टिंग बने। नंबर 1, स्टार्ट एसे विद एन इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट ऑन द टॉपिक। हमें अपने निबंध को इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट के साथ शुरुआत करनी चाहिए जिससे हमारा निबंध और अच्छा लगे। जैसे मान लीजिए आप अगर एसे स्कूल पे लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, माय स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल इन द टाउन। सेकंड, द ओपनिंग पैराग्राफ शुड इंट्रोड्यूस द मेन सब्जेक्ट ऑफ द टॉपिक। और अपने हमें शुरुआती पैराग्राफ में ही अपने मेन सब्जेक्ट को टॉपिक में लिख देना चाहिए। थर्ड, द नेक्स्ट टू और थ्री पैराग्राफ शुड प्रोवाइड द डिटेल्स ऑन द टॉपिक। और अपने दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में अपने टॉपिक के बारे में हमें डिटेल में लिख देना चाहिए। नंबर 4, इन द लास्ट पैराग्राफ समराइज द मेन आइडिया ऑफ द एसे। और अपने आखिरी भाग में यानी कि आखिरी पैराग्राफ में हमें अपने जो विचार है उसको एक समरी के रूप में लिख देना चाहिए। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से हम एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं।